बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 लाइव फीड में मनीषा रानी ने दिया एक स्पेशल मैसेज एल्विश यादव की गर्लफ्रेंड के नाम। आइए जानते हैं आखिरकार क्या कुछ है खास स्पेशल मैसेज में। गाइज, आप सभी को बता दूं कि बीती रात एल्विश यादव और मनीषा रानी के बीच एक छोटी मोटी सी नोकझोंक हो गई। अब इसी बात को लेकर जहां मनीषा रानी अक्सर एल्विश यादव से फ्लर्ट करती हैं, एल्विश यादव हमेशा बचते हुए नजर आते हैं, कल जाकर उन्होंने मनीषा रानी को इस पर काफी जबरदस्त तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे दिया, जिस पर अब मनीषा रानी खास तौर पर कैमरे के सामने जाकर एल्विश यादव की गर्लफ्रेंड से पूरी तरीके से एक मैसेज देते हुए माफ़ी मांगती हैं। उनका कहना है कि मेरे और एल्विश यादव के बीच में कुछ भी नहीं है, अगर उन्हें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो वो क्लियर कर लें। इनफैक्ट मनीषा रानी ये भी कहती नजर आई कि मेरे इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ फ्लर्ट कर रही थी। एल्विश एक बहुत अच्छा लड़का है, एल्विश आपसे बहुत पसंद करता है, आपको बहुत प्यार करता है, वो किसी और की तरफ देखता भी नहीं है, तो अगर आप मेरी वजह से अपने रिश्ते को ख़राब करेंगे या अपने रिश्ते को तोड़ेंगी तो ऐसा मत करना। यहाँ पर मनीषा रानी स्पेशल मैसेज देती जा रही हैं एल्विश यादव की गर्लफ्रेंड को और कहती भी नजर आ रही हैं कि मेरे इंटेंशंस कुछ भी गलत नहीं है और ना ही मैं एल्विश के साथ कुछ ऐसा कर रही हूँ, और आप दोनों हमेशा से ऐसे ही बने रहो। खास तौर पर मनीषा रानी के ये इंटेंशंस थे कि वो एल्विश यादव की गर्लफ्रेंड को क्लियर कर दें कि वो जो भी कर रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल फ्लर्टिंग है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। रेस्ट वो चाहती हैं कि एल्विश यादव और उनकी गर्लफ्रेंड का रिश्ता हमेशा बना रहे, इसकी वजह से वो यहाँ पर ये स्पेशल मैसेज देती हुई नजर आ रही हैं। अक्सर हमने देखा कि मनीषा रानी जिस तरीके से एल्विश के साथ फ्लर्ट करती हैं लेकिन एल्विश उनसे बचते हुए नजर आते हैं, इस पर कल जाकर एल्विश ने जब ये कहा कि तुम्हारी जैसी से मुझे प्यार नहीं हो सकता, इस पर जाकर मनीषा रानी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और फिर जाकर मनीषा रानी ने अब जाकर कैमरे के सामने एल्विश यादव की गर्लफ्रेंड से ये सारी बातें क्लियर कर दी है। अब ऐसे में आप बताएं मनीषा रानी का ये जो मैसेज है एल्विश यादव की गर्लफ्रेंड के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर?